ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के सामने लेने वाला हूँ फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमएसटी सीईटी से। लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं और भी पिछले सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ आपके सामने, और उसमें हम लोग देखेंगे फिजिक्स के अंदर में किस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगते हैं, किस तरीके से जाली जुगाड़ हमारे पास में होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, ऑप्शन एलिमिनेशन के टेक्निक्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है हमारे पास में जो इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, आप बाकी एपिसोड्स भी वहां जाकर के देख सकते हो। तो अभी इस एपिसोड को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र सीटी के पेपर में 80, 90, 100 नंबर पे अटके हुए हैं, स्कोर को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं और वो कम टाइम में चाहते हैं कि उनका स्कोर 130 प्लस 140 प्लस जाए, राइट, और उनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप सब लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव कोर्स बना रखा है जिसकी पोस्टर आप यहां पर देख सकते हो। ये कोर्स ऑलरेडी 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स खरीद चुके और उनको बहुत ज्यादा इसमें फायदा हुआ है, सभी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहां पर आए हैं। सिमिलर कोर्स हमारे पास में जेईई मेन के लिए था, नीट के लिए था, कॉमेट के लिए था, सारे एग्जाम्स में बच्चों ने बहुत ज्यादा यहां पर फायदा उठाया और महाराष्ट्र सीटी का अब एग्जाम बाकी है तो आप जितने भी बच्चे हैं महाराष्ट्र सीटी वाले इसका फायदा उठा सकते हो। इस कोर्स की डिलीवरी काफी ज्यादा फास्ट होती है, मतलब आप पेमेंट करके हमको मेल करोगे उसके एक दो घंटे में ही आपको कोर्स की डिलीवरी मिल जाएगी, और यह कोर्स भी छोटा सा है तो आप एक दो घंटे के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट भी कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर में काफी सीक्रेट स्ट्रेटजीज एंड ट्रिक्स बताई गई हैं जिससे कि आपने स्कोर को 80, 90, 100 इस रेंज में अगर अटके हुए तो उसको ले जाकर 130 प्लस 140 प्लस ले जा सकते हो, मतलब चुटकियों में, मतलब दो दिन के अंदर में आप इसको ले जा सकते हो। आप वीडियोस देखोगे, समझोगे, उन चीजों को अप्लाई करोगे और बहुत जल्दी आपका जो स्कोर यहां पर बूस्टअप होगा। काफी अच्छी यहां पर वीडियोस, अगर आप लोग इसकी रिक्वायरमेंट हो तो यहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी सारी आपकी डिटेल्स दी हुई है, आप लोग वहां पर व्हाट्सएप करके हमें टीम से बात कर सकते हो और पेमेंट डिटेल वगैरह अगर आप लेना चाहो तो वहां पर वॉलेट नंबर वगैरह भी आप ले सकते हो। यूपीआई आपको यहां पर दिख रहा होगा, क्यूआर कोड स्कैनिंग यहां पर आपको दिख रहा होगा, क्यूआर कोड भी दिख रहा होगा, तो आप लोग पेमेंट करके डायरेक्टली भी मेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप करके और कुछ पेमेंट डिटेल चाहिए या फिर और कुछ क्वेरीज हो तो पूछ करके आप लोग पेमेंट कर सकते हो। आपके ईमेल करने के कुछ ही घंटों के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा और कुछ ही घंटों के अंदर आप जो इस कोर्स को कंप्लीट भी कर पाओगे। तो जितने भी बच्चों को यहां पर रिक्वायरमेंट है यहां पर व्हाट्सएप नंबर और डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप लोग यहां पर मैसेज करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है महाराष्ट्र सीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, 2019 का जो पेपर है हमारे पास में, ठीक है ना, 2019 के फिजिक्स के क्वेश्चंस ले लिए हैं मैंने, यहाँ पर चार क्वेश्चन लिए, चारों सेम पेपर से लिए हैं। 2019 में बहुत सारे शिफ्ट्स हुए थे तो एक ही शिफ्ट का, एक पर्टिकुलर शिफ्ट का मैंने सारे क्वेश्चन उसी शिफ्ट में से लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे से चार क्वेश्चन आप फिजिक्स का देख सकते हो, इसके पिछले एपिसोड में मैंने मैथ्स के क्वेश्चन लिए थे 2018 के, उसके पिछले में मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन लिए थे 2018 के, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा क्वेश्चन अलग अलग ईयर से कवर अप करूं ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि अलग अलग साल में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, आप लास्ट मोमेंट में जो है रेडी हो पाओ अपने एग्जाम के लिए और ट्रिक्स वगैरह भी लगाना सीख पाओ। तुक्के लगाने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एमएसटी सीटी में, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि सपोज कर लो आपके 200 नंबर के आपके पेपर है उसमें से आपने अगर 100 नंबर सॉल्व कर लिए तो ये तो आपने पढ़ाई करके सॉल्व करे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 100 मार्क्स आप छोड़ देते हो ना, मतलब जो आपने सॉल्व नहीं करे होते हैं, उस 100 में आपका दोस्त तुक्का लगाएगा अगर वो 20 सही करे और आप तुक्का लगाए और आप 30 मार्क्स वहां से गेन कर लिए तो आप आगे निकल जाओगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आप और आपके दोस्त में पोटेंशियल सेम थी पढ़ने की, लेकिन आपके तुक्का लगाने की स्किल्स ज्यादा अच्छी थी। तो तुक्का लगाने की स्किल्स एमएसटी सीटी जैसे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एवरेज हो, अगर आप टॉपर हो, 180 प्लस 190 प्लस ला रहे हो तो ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप एवरेज हो, मतलब कि 60 70 से लेकर के अगर आप 140 150 160 इस रेंज पे कहीं पर भी आप हो तो आपको तुक्का लगाने की स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं वो क्वेश्चन में आपको तुक्का लगा के अपना स्कोर बूस्टअप करना रहता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह होती है कि नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होता है। अब तुक्का लगाने की टेक्निक्स अगर आपको और ज्यादा सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप बाकी के एपिसोड्स भी देख सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आगे और भी बहुत सारे जो है एपिसोड्स आ रहे हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी देख लेना एपिसोड्स को, आगे भी एपिसोड्स आएंगे और पहले जितने भी एपिसोड्स आ रखे हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए। तो यहां पर हमारे पास में क्या है, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या, या तो सॉल्व कर लो, आप लोग बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सॉल्व करना आता है वो सॉल्व कर लो, जिनको सॉल्व करना नहीं आता ना वो समझ नहीं पाते कि तुक्का कैसे लगाएं। अब कुछ तो तुक्का लगाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि छोड़ देंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तुक्का तो लगाओ कम से कम, क्या पता सही हो जाए। तो तुक्का लगाने की स्ट्रेटजी की आप अगर ध्यान से ऑप्शंस को देखो तो यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर आप देखना, ध्यान से देखना, ये आपको 4 दिख रहा है, यहां पर आपको -4 दिख रहा है, यहां पर आपको -4 दिख रहा है और यहां पर आपको 3 दिख रहा है। ध्यान से अगर आप नोटिस करो, बाकी सारी चीजें सेम है,
ये 10 माइनस 3 10 माइनस 3 10 माइनस 3 10 ये सब सेम है, सिर्फ लास्ट वाले टर्म देखो आप, आपको दो बार माइनस 4 दिख रहा है ना, दो बार आपको माइनस 4 दिख रहा है, इसका मतलब माइनस 4 वाला ही आंसर होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है ना वो आपको ऑप्शंस में पजल करने का ट्राई करता है, ठीक है, वो नहीं चाहता कि आपका करेक्ट आंसर आ जाए फटाफट। तो अगर आप मान लो अगर इसको सॉल्व करते हो और आपको तो ये 3 मिल जाएगा तो बाकी तीन ऑप्शन आप फट से हटा दोगे, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता है, वो चाहता है कि आप पहले इसको सॉल्व करो, दो ऑप्शन एलिमिनेट करो, उसके बाद में फिर आप ये वाला चीज सॉल्व करो और फिर उन दो में से चूज करो कौन सा करेक्ट आंसर है। ये थॉट प्रोसेस होता है क्वेश्चन बनाने वाले के माइंड में, लेकिन हम इसी का लॉजिक यूज करके क्यों ना हम इन दोनों ऑप्शन को पहले ही एलिमिनेट कर दें, समझ गए बात। जो टीचर क्वेश्चन बनाया था वो आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा था, हमने उसी के थॉट प्रोसेस को यूज करके बाकी दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, राइट। इन दोनों में आंसर होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि इसमें माइनस फोर दिख रहा है, इसमें 3 और इसमें 4 दिख रहा है। सोचो ना अगर आपका 4 वाला आंसर होता तो आप तो चुटकी में सॉल्व कर लेते, आपको ये जो है आपका यूनिट तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, समझ गए बात। तो वो नहीं चाहता कि आपको बिना यूनिट सॉल्व किए आंसर मिल जाए, वो चाहता है आप दोनों चीज चेक करो, तो पहले वो आपको इन दोनों में लाएगा फिर इन दोनों में आपको चेक करवाएगा, राइट। तो हमने क्या करा, इसी थॉट को यूज करके बी और सी को तो एलिमिनेट कर दिया, अब हमको ए और बी में तुक्का लगाना है, ठीक है। अब आप क्या करो, कमेंट में जाओ, कमेंट में जाके आप सोच लो माइंड में ए लगाओगे या डी लगाओगे, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। कमेंट में जाके लिखो क्वेश्चन नंबर 1 तुक्का ए या फिर तुक्का डी, फिर करेक्ट आंसर सुनना और फिर उसी कमेंट को एडिट करके बताना मेरे को कि आपका तुक्का सही हुआ या फिर गलत हुआ, इससे आपके तुक्के की प्रैक्टिस भी होगी वीडियो देखते देखते, राइट। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके जाकर कमेंट कर दिया होगा अब तक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना वो हमारे पास में है आंसर डी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूं किस तरीके से हम इसको डी तुक्का मारेंगे। आप अगर ध्यान से देखो यूनिट को, तो यहां पर आपको दिखेगा जूल मीटर क्यूब S4, जूल मीटर स्क्वायर S4, K, आप देखोगे ध्यान से कि B, C और D तीनों ऑप्शन में इसमें K दिया हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं K आ रहा है, लेकिन ये फर्स्ट वाले में ना K है ही नहीं, इसका मतलब हाई चांसेस है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं के तो आएगा ना यार, तो हाई चांसेस है कि यहां पर ये A आंसर नहीं होगा, तो हम लोग इसको भी जो है एलिमिनेट कर देंगे, समझ गए बात। हम लोग क्या करेंगे, डी ऑप्शन को यहां पर सही कर देंगे। इस तरीके से आपको तुक्के लगाने पड़ते हैं क्योंकि तीन ऑप्शन में के दिया, कहीं ना कहीं के का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, राइट। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर दिए, इस तरीके से तुक्का लगाओगे ना तुक्का आपके सही होंगे बिना सॉल्व किए। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखो, मैंने आप लोगों को कई बार बताया जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो एक्सट्रीम ऑप्शन मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, मतलब 42 होने के चांसेस बहुत कम है और 24 होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। 100% ऐसा गारंटी नहीं, हमेशा ऐसे ही होगा, कभी कभार आ जाता है 42 भी आंसर आ सकता है, लेकिन जो एनालिसिस किया गया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस है और जो रिसर्च है, रिसर्च के अकॉर्डिंग पाया गया है कि हमारे पास में जितने भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें बीच वाला आंसर होता है, बीच में कहीं आंसर होता है, मतलब ऐसा नहीं है अगर 7 ना आंसर तो ऑप्शन 7, 8, 9, 10 ऐसे नहीं बनते, ऑप्शन बनते 6, 7, 8, 9 या फिर 5, 6, 7, 8 इस टाइप के ऑप्शंस बनते हैं, ये साइकोलॉजिकल है, राइट। अगर कोई भी टीचर जब क्वेश्चन बना रहा है तो वो नहीं चाहता कि एक्सट्रीम, मतलब मान लो आपने क्वेश्चन बनाया, आपका आंसर है 10, तो आप क्या ऑप्शन ऐसे दोगे 10, 20, 30, 40? नहीं ना, आप दोगे 0, 10, 20, 30 इस तरीके से, या मान लो आपका 50 आंसर है तो आप क्या 50 से स्टार्ट करोगे? नहीं, आप दोगे 40, 50, 60, 70, आप चाहते हो ना उसको पजल करने का, राइट। तो ये साइकोलॉजी है थोड़ी सी जिसमें फील आता है कि आंसर एक्सट्रीम वाला नहीं होता, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करके देख लेना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज दिखेगा। पिछले दो एपिसोड में मैंने बहुत अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब में मैंने बताया है पिछले 2-3 एपिसोड में कि ये चीज कितनी काम करती है, राइट। तो यहां पर आप क्या करो, सी या फिर डी में से एक तुक्का लगा लो, जाओ कमेंट में जाके लिखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का तुक्का सी या फिर डी, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा, फिर करेक्ट आंसर जानने के बाद में आप कमेंट को एडिट करके बताना कि आपका सही हुआ या फिर गलत हुआ। So, इस क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर 30 मारते हो तो ये आपको यहां पर सही हो जाता है, 36 मारते हो तो आपका गलत हो जाता है। ये आंसर की दी हुई है, मैंने इसको सॉल्व करके नहीं देखा है तो मेरे को पता नहीं है कितना सही है नहीं है, बट मैंने आंसर की देखी थी तो वहां पर सी दिया हुआ था, 30 दिया हुआ था, ठीक है। मैंने अरियंत की बुक से क्वेश्चन उठाए हैं, अरियंत के प्रीवियस ईयर बुक से, तो उसमें सी आंसर यहां पर दिया हुआ था, ठीक है। अब देखो यहां पर वापस से हम लोग क्या करेंगे, ऑड वन आउट को एलिमिनेट कर देंगे इस क्वेश्चन में। देखो दो ऑप्शन 5.5 का है ना, इसका मतलब 5.5 वाला आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, समझ गए। वो क्या करते हैं ना, आपको 5.5 आ जाएगा, फिर वो आपको डेसिमल्स में पजल करेंगे कि पावर 6 होगा या पावर 5 होगा, समझ रहे हो, क्वेश्चन बनाने वाले की साइकोलॉजी समझो। इसका मतलब उसको पता है 5.5 आंसर है, और बच्चे अगर 5.5 निकाल लिए तो वो तो तुरंत मार्क कर देंगे, इसीलिए उसने दो ऑप्शन दे दिया 5.5 का, ताकि बच्चे डेसिमल में कंफ्यूज हो गए, समझ गए। तो हमने उसी थॉट को
एक जरिया बना लिया हमारे डी और सी को एलिमिनेट करने का। हमने डी और सी को एलिमिनेट कर दिया उस थॉट प्रोसेस के कारण कि भाई अगर ए और बी में वो हमको कंफ्यूज करना चाह रहा है, इसका मतलब सी डी आंसर है ही नहीं। समझ गए, ये झोल है, ये लूप होल है, थॉट प्रोसेस में एक लूप होल है जिससे हम दो ऑप्शन इजिली एलिमिनेट कर पाते हैं। अब ए और बी में आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है। तो वापस से जाओ कमेंट में लिखो क्वेश्चन 3 का तुक्का ए या फिर तुक्का बी, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। राइट, तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके जाकर कमेंट कर दिया होगा अब तक। इस क्वेश्चन का जो आंसर की मैं आंसर दिया हुआ था वो दिया हुआ था बी। अगेन मैंने सॉल्व करके नहीं देखा, आंसर की मैं बी दिया हुआ था, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं मैंने सॉल्व करके चेक नहीं किया है। अब एक और चीज बच्चों के माइंड में रहती है ना कि यार बी और सी थोड़े ज्यादा होते हैं, ये एक्चुअल में होता है, बहुत सारे बच्चे डाउट करते हैं, ये एक्चुअल में होता है। बी और सी ऑप्शन जो है ना ये एग्जाम में थोड़े से ज्यादा होते हैं, ठीक है, ए थोड़े से कम होते हैं और फिजिक्स में डी भी होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री मैथ्स में और फिजिक्स में ओवरऑल अगर एक जनरल बात करें तो बी सी होने के ना चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको ए और बी में से चूज करना है तो बी वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू चूज, ठीक है। यहां पर हालांकि हम जज नहीं कर सकते क्योंकि 6 और 6 दो ऑप्शन में 6 है और पावर में 5 दो ऑप्शन में 5 है, तो वी कांट जज लाइक दैट, बट थोड़ा सा बी को आप लोग थोड़ा सा प्रेफर दिया करो क्योंकि बी थोड़ा सा ज्यादा ये है रिसर्च के द्वारा पाया गया है। अब ये वाला क्वेश्चन हमारे पास में हमको बोल रहा है फोर्स निकालो, फोर्स। अब हमको नहीं फर्क पड़ता घंटा की क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना आता तो कर लेते ना, फिर तुक्का टेक्निक क्यों लगाते, तुक्का टेक्निक तो नहीं लगाते। जिसको सॉल्व करना आता है वो सॉल्व करो, जिसको सॉल्व करना नहीं आता वो तुक्का कैसे लगाएगा ये मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो आपको पता है ना टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, ये तो बेसिक आपको पता ही है। मतलब फोर्स क्या होता है, टॉर्क, टॉर्क डिवाइडेड बाय लेंथ। समझ रहे हो, बेसिक सा चीज समझ रहे हो। फोर्स का टर्म क्या आएगा, टॉर्क बाय लेंथ के फॉर्म में आएगा। वो क्या आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, फलाना ढिमका क्या आएगा पता नहीं, लेकिन टॉर्क बाय एल के टर्म में, क्योंकि रेडियस जो है टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है, तो रेडियस वाला टर्म लेंथ वाला टर्म नीचे आ रहा है, इतना बस जान लो। इतना अगर हम लोग जान लेंगे ना तो टी बाय एल आपका एक ऑप्शन यहां पर है और 2t by l आपका दूसरा ऑप्शन यहां पर है। ये l by t कहां से आ गया, मजाक चल रहा है, इसको काटो, है ना। फिर ये 2l by t मजाक चल रहा है, इसको काटो, ये तो उल्टा ही होगा ना पूरे। हमको तो t by l के फॉर्मेट में चाहिए, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दो ऑप्शन हमने चुटके में एलिमिनेट कर दिया, अब बाकी दोनों में हम लोग तुक्का लगा लेंगे। तो वापस से आपको वही करना है, जाना है कमेंट में लिखना है क्वेश्चन 4, तुक्का या तो a लगाओ या तो c लगाओ, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। ध्यान से सोच करके तुक्का इसका लगाओ कमेंट में, फिर मैं आपको इसका कमेंट करेक्ट आंसर जो बताता हूं, फिर उसी कमेंट को आप एडिट करना और बताना कि आपका तुक्का सही हुआ या फिर गलत हुआ है। तो आई होप आपने अब तक जाकर के कमेंट कर दिया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है ना। पहले वाले का जो बी था इसका हमारे पास में सी है। अगर आपने सी तुक्का लगाया तो वो आपका सही हो गया, अगर आपने ए तुक्का लगाया तो वो आपका गलत हो गया, राइट। आई नो बहुत सारे बच्चों ने सी लगाया होगा। अगेन थॉट प्रोसेस यही है, बी और सी थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो अगर आपको ए और सी में चूज करना है तो सी को थोड़ा सा चूज कर लिया करो या फिर बी को चूज कर लिया करो अगर बी है तो। और एक और चीज, यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो इतना सिंपल आंसर नहीं होगा, शायद 2 का टर्म आएगा। ये बेसिक सा थॉट प्रोसेस भी आप लोग यूज कर सकते हो, क्योंकि रीजन यहां पर यह है कि आप देखो फर्स्ट ऑप्शन में 2 वगैरह नहीं है, लेकिन आप देखो सेकंड ऑप्शन में 2 दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, थर्ड ऑप्शन में 2 दिया हुआ है न्यूमरेटर में, और फोर्थ ऑप्शन में भी 2 दिया हुआ है न्यूमरेटर में। तो तीन ऑप्शन में आपको 2 दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं 2 का इन्वॉल्वमेंट जरूर रहा होगा, राइट। इसीलिए तो दिया है ना, वरना 3 दे सकता था, 4 भी दे सकता था, सब में 2 क्यों दिया है। सब में 2 देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं 2 का इन्वॉल्वमेंट आंसर में रहा होगा, तभी ऑप्शन में 2 पुट किया है, राइट। इसीलिए सारे ऑप्शन में 2 है। तो इसी थॉट प्रोसेस को हम लोग यूज करते हुए ए को एलिमिनेट करके सी को यहां पर मार्क करेंगे और वो हमारा यहां पर सही हो जाएगा। अगर आपने ये सारे जुगाड़ू टेक्निक सीख लिए ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, और जाकर के सीखो, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखने। अगर आपने मान लो अगर आप 80-90 नंबर पे स्टक हुए पड़े हो, तो आपको अगर इंक्रीज करना है, राइट, तो उसके लिए मैंने एक एक्सक्लूसिव कोर्स भी बनाया है, उसका भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो तो खैर पेड कोर्स है बट काफी सस्ता है, 199 का कोर्स है वो, उसकी आप लोग डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और उसके अलावा भी हमारे पास में जो फ्री पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ना YouTube पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो फ्री प्लेलिस्ट है, उसको जा करके भी आप लोग देखो, तो आपको बहुत सारे ट्रिक्स के अलग अलग तरीके सीखने को मिलेंगे कम टाइम में, अगर आप इसको अप्लाई करते हो। अगर आपने मान लो 120 सॉल्व किया है, तो बाकी के जो 80 है उसमें ये टेक्निक्स लगा के तुक्के मारो ना, आपका स्कोर 140-150 प्लस जाएगा। देखो क्या रैंक का क्या बूस्टअप मिलेगा, राइट। अगर आपने तुक्का टेक्निक्स नहीं सीखा ना तो आप स्टक हो जाओगे। अगर आपको रैंक इंप्रूव करना है तो आपको तुक्का टेक्निक सीखना पड़ेगा, और ये जो तुक्का टेक्निक्स जो मैं सिखा रहा हूं ये आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलेगा, राइट, ये सिर्फ इस चैनल पे मिलेगा। तो जरूर से इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करना, बाकी तो बस यही बात है। सो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पसंद आए होंगे। ऐसे ट्रिक्स महाराष्ट्र सीटी के एग्जाम में बहुत ही इजीली अप्लाई होते हैं। अगर आप लोग स्टक हुए पड़े हो, अपने स्कोर को 80-90-100 इससे ज्यादा आगे नहीं ले जा पा रहे हो, 130 प्लस आपको ले जाने का टारगेट है, तो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कोर्स यहाँ पर बना रखा है जिसकी पोस्टर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। काफी कम टाइम में इसकी डिलीवरी आपको मिलती है, आप पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेजोगे मेल पे, 1-2 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है कोर्स मिल जाएगा, उसको 1-2 घंटे के अंदर अंदर आप लोग कंप्लीट भी कर सकते हो। और वो सारी चीजें सीखने के बाद अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह में अप्लाई करोगे तो आपका स्कोर ड्रास्टिकली बढ़ेगा। तो देर ना करते हुए जितने
भी स्टूडेंट्स का स्टक हुआ हुआ है स्कोर महाराष्ट्र सीटी के अंदर में, उसको और बढ़ाना चाहते हो आप लोग, तो यहां पर हमारे पास में व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, आप लोग डायरेक्टली हमको व्हाट्सअप पे मैसेज करके आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो और फिर इस कोर्स को परचेज आप लोग कर सकते हो, राइट। बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।